फोनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स। सो आज हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स। ओके, जस्ट अ मिनट। व्हाट इज द साउंड ऑफ ए? ए। साउंड ऑफ बी? ब। हाँ, वेरी गुड। साउंड ऑफ सी? श। क। साउंड ऑफ डी? ड। 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 साउंड ऑफ ड? साउंड ऑफ ए। 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 साउंड ऑफ एफ? फ। 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 साउंड ऑफ जी? ज। जाने ग। 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 साउंड ऑफ जी? ग। साउंड ऑफ जी? ग। जी का साउंड क्या है? ग। साउंड ऑफ जी? ग। साउंड ऑफ एच? साउंड ऑफ आई? साउंड ऑफ आई? ई। साउंड ऑफ जे? ज। साउंड ऑफ के? क। साउंड ऑफ एल? ल। ला नहीं, ला। ला नहीं, ल। साउंड ऑफ एम? मा। मा नहीं, मा। 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 मा नहीं, मा नहीं। साउंड एम का साउंड है उम। एम का साउंड क्या है? एन का साउंड क्या है? एन का साउंड क्या है? ओके। ओ का साउंड? ओ का साउंड? पी का साउंड? फ। फ। पी का साउंड? फ। फ। ऐसा होना चाहिए। फ। क्यू का साउंड? क्यू कभी अकेले नहीं आती है। क्यू कभी अकेले नहीं आती है। क्यू अपने फ्रेंड के साथ आती है। क्यू का फ्रेंड कौन है? यू। क्यू का फ्रेंड कौन है? यू। इन दोनों का साउंड क्या है? क्यू। सो नॉट क्यू, क्व। 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 ये कभी अकेले नहीं आती है। कहीं पे भी क्यू जो है अकेले कभी नहीं आती है। क्यू का फ्रेंड कौन है? यू। क्यू का फ्रेंड कौन है? यू। सो क्यू यू को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्व। क्यू यू को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्व। आर। आर का साउंड क्या है? ए। आर का साउंड क्या है? ए। एस का साउंड क्या है? एस का साउंड क्या है? टी का साउंड क्या है? च। टी का साउंड क्या है? च। टी का साउंड क्या है? च। यू का साउंड क्या है? अ। यू फॉर अम्ब्रेला। अ अ अम्ब्रेला। अ। यू साउंड क्या है? अ। ओके, यू साउंड क्या है? अ। वी का साउंड? व। व। मैं कैसे बोल रही हूँ देखो, व। व। जो यहाँ पे दांत आना चाहिए। ओके, यहाँ पे दांत आना चाहिए। व। वाज। वैन। 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 व। वाज। वायलिन। व। व। ऐसा बोलते हैं। व। ओके, व। ऐसा बोलते हैं वी साउंड को। यू। वी। यू। V का और W का साउंड दोनों दोनों अलग है, थोड़ा अलग है। ये V को व बोलते हैं, W को व बोलते हैं। W को व।
डब्ल्यू को क्या बोलते हैं व, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं व, वी को क्या बोलते हैं व, व वैन वाज वायलिन, डब्ल्यू को क्या बोलते हैं वॉच वॉक वेक ऐसा बोलते हैं, वेल वेलकम। सो डब्ल्यू का साउंड क्या है व, डब्ल्यू को बोलने के लिए हम मुंह कैसा बनाना है व, ऐसा बनाना है मुंह को। वी बोलने के टाइम पे मुंह कैसा बनाते हैं व, ऐसा बोलते हैं व, ऐसा बोलते हैं। लेकिन डब्ल्यू को जब बोलते हैं तो क्या बोलना है व, वॉच वॉक ऐसा बोल, ऐसा मुंह ऐसा बनाना है डब्ल्यू को व, ऐसा बनाना है। ओके डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू व, एक्स का साउंड ज, वाई का साउंड य, या से यज्ञ बोलते हैं ना य, वाई का साउंड क्या है य, जेड का साउंड ज, जेड का साउंड ज। अब मुझे बताओगे आप लोग साउंड्स क्या क्या है, चलो आई विल आस्क यू द साउंड्स। ख्याति व्हाट इज द साउंड ऑफ पी, ख्याति व्हाट इज द साउंड ऑफ पी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, यस यस pig, paper, people, pleasant, paper, pot, pig, ऐसे p p, okay, p का sound p। Now Riddhi Siddhi, what is the sound of r? nor गाड़ी चलाने थोड़ी जाना है। What is the sound of what is the sound of r? Doctor, paper, road, rail, rabbit, rose, अभी आर्थ का साउंड जो है क्लियरली नहीं आती है, दब जाती है। ओके पेपर, रैबिट, रोड, डॉक्टर, ऐसे आर का साउंड जो है दब जाती है। ब्रेड, नाउ अनुज्ञा व्हाट इज द साउंड ऑफ जी बेटा, Anugya, what is the sound of G? Yes, now tell me what is the sound of G? G, G. G, G, G sound is G. Very good. G. G for gun, G for goat, G for grapes. Okay, now Rabdi, what is the sound of W? What is the sound of W? क्या पढ़ा रही है मैम? मैम? हाँ yes tell me हाँ क्या पढ़ा रही है? Yes yes tell me W और V को कैसे हाँ मैम W और V तो उन दोनों का ही साउंड हो जाए तो मेरे को ना उसमें मैंने बताया ना क्या डिफरेंस है, मैंने बताया अभी, सुने नहीं आप, नहीं सुने? ओके आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है मैं किसी और से पूछती हूँ फिर मैं डाउट क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है? चलो आरव जैन आप बताओ W साउंड क्या है, ऐसे कैसे V का साउंड क्या है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, नुशी बताओगे? वाह
हाँ, डब्ल्यू को कैसे प्रोनाउंस करते बताओ, डब्ल्यू का साउंड कैसे बोलते हैं? वा में ओ की मात्रा, वा में ओ की मात्रा। ये हिंदी कहाँ से आया डब्ल्यू इंग्लिश में? चलो और कोई आगम आरिका बताओगे डब्ल्यू का और वी का साउंड का डिफरेंस क्या है? मैंने अब भी बताया आप लोगों को डब्ल्यू कैसे प्रोनाउंस करते हैं और वी कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बताओगे आप लोग? नो डिफरेंस, ओके। काव्या आप बताओ डब्ल्यू का और व का डिफरेंस क्या है, बताओ। मैम डब्ल्यू में वा एंड वी में वा, डब्ल्यू में वा एंड वी में वा। वेरी गुड, देखो उन्होंने बताई जैसे वी जब प्रोनाउंस करते, जब हम वी के बारे में जब भी बोलते हैं, वी वी के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो व व ए ऊपर से बोलते हैं, व व व वी के बारे में, वी फॉर वैन, वी फॉर वॉज, वी फॉर वायलिन, व व मतलब यहां से बोलते हैं व को, वी वी को यहां से बोलते हैं वी व हम हाँ व व व वी को, वी का साउंड को व ऐसे बोलते हैं। डब्ल्यू का साउंड जब बोलते हैं, डब्ल्यू का साउंड जब बोलते हैं व व व मैम व व व व डब्ल्यू का साउंड है व, वी का साउंड है व। अलग पता चला आप लोगों को डिफरेंस पता चला राब्दी, पता चला आपको? जब हम वी का साउंड बोलते हैं व व, डब्ल्यू जब बोलते हैं, डब्ल्यू को जब प्रोनाउंस करने जाते हैं व व, ओके। जैसे वी फॉर वैन, बट जब वी फॉर वैन बोलते वैन बोलते वैन, सो ऊपर से बोलते हैं ना। जब हम डब्ल्यू फॉर वॉच बोलते हैं वॉ को वॉ वॉच, ये है वी का और डब्ल्यू का डिफरेंस। दोनों एक ही जैसे सुनाई देता है, लेकिन जब वी और डब्ल्यू बोलते टाइम पे, वी जब बोलते तो व बोलते हैं, डब्ल्यू जब बोलते तो वॉ बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो ये है हमारे साउंड। ए फॉर एप्पल, apple, b for ball, b b ball, so b sound is b, c for cat, k k cat, d for dog, d d dog, e for elephant, a a elephant, f for fish, f fish। ऐसे गाना याद रखोगे तो गाने में आपको साउंड्स इजीली याद हो जाती है। g for goat, g g goat, H for hen, h h hen, I for igloo, e e igloo, J for jug, j j jug, K for kite, k k kite, L for lion, l l lion, M for monkey, m m monkey, N for nose, n n nose, O for orange, o o orange, P for pot, p p pot, Q for queen, qu qu queen, R for rose, r r rose, S for snake, s snake, T for tiger, t t tiger, U for umbrella, a a umbrella, V for van, v v van, W for watch, w w watch, X for xylophone, z z xylophone, y for yak, yak yak yak, z for zebra, z z zebra। आगे आप लोगों को साउंड्स, यस ये है आप लोगों का साउंड। फिर हमने वोवेल्स का साउंड सुन लिया और दो लेटर वर्ड्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि एक वोवेल और एक कॉन्सनेंट और एक वोवेल कैसे बनाते हैं, आप लोगों को बताया ना मैंने। ए जी A G, A B, A B Ab, A M Am, A N N, ऐसे दो दो लेटर्स का कैसे बनाते। फिर
इसमें अगर एक लेटर ज्वाइन करेंगे तो ब एग बैग, न एब नैब, ज एम जैम, ओके ट एन टैन, ऐसे कैसे बनाते हैं ये भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। फिर हमने टू लेटर ब्लेंड, टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड सुने थे, याद है आप लोगों को, एल और के, इन दोनों को मिलके हम कैसे पढ़ता है, ल्क, ल्क पढ़ते, एन के को हम क्या पढ़ते हैं, इंक पढ़ते हैं, इंक इंक ल्क इंक, सी एच को हम क्या पढ़ते हैं, छ, एस एच को हम क्या पढ़ते हैं, श, ओके, एस एच को हम क्या पढ़ते हैं, श, और टी एच को हम क्या पढ़ते हैं, थ या द, इन दो साउंड है इनका, थ बोल सकते हैं या द बोल सकते हैं, एस एच को श बोलते हैं, सी एच को च बोलते हैं, एनके को इंक बोलते हैं, एलके को ल्क बोलते हैं, और पी आर को प्र बोलते हैं, और एस डब्ल्यू को स्व बोलते हैं। ऐसे टू लेटर, ये दोनों कॉन्सनेंट है, ये दोनों क्या बोलते हैं, कॉन्सनेंट है, ये भी कॉन्सनेंट है, ये भी कॉन्सनेंट, इसमें वोवेल है क्या, नहीं है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, टू कॉन्सनेंट ब्लेंड्स। इसका साउंड को थोड़ा सा अलग होता है, ल्क न्क च श थ प्र स्व न्प, ओके, डी आर ड्र ड्र, ऐसे सी आर क्र, सी एल क्ल, पी एल प्ल, एस एन स्न, एस एन स्न, सो ऐसे इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। देखो ल्क एल, इसमें अगर वर्ड बनाना है तो बी का साउंड है ब, यू का साउंड है अ, ब ल्क ब अ ल्क बल, समझ में आया, ब अ ल्क बल, ओके okay? अब इंक, यहाँ पे ट और ए दोनों ऐड करो, ट ए इंक टैंक, ट ए इंक टैंक, ओके, और सी एच, यहाँ पे सी एच है, सी एच आई ची प चिप, ओके। नाउ पीएल, प्लीज, प्लीज में पी एल प्ल ई, प्लीज प्लीज, ओके, एस एच श, रब्दि यू आर नॉट वॉचिंग एट द कैमरा, रब्दि वॉच हियर, एस एच श, एस एच का साउंड है श, बी यू एस एच बुश, एफ यू एस एच पी यू एस एच पुश, ऐसा। नाउ टी एच का साउंड है थ या द, और पी आर का साउंड है प्र, कहीं पे भी अगर ये वर्ड्स पढ़ना है तो आपको ऐसा पढ़ना होगा। एल के का साउंड है ल्क, एन के का साउंड है इंक, सी एच का साउंड है छ, पी एल का साउंड प्ल, एस एल का साउंड स्ल, सी एल का साउंड क्ल, क प्लस ल क्ल, एस एच का साउंड श, टी एच का साउंड थ या द, पी आर का साउंड प्र, एस एन का साउंड स्न, एस डब्ल्यू का साउंड स्व, एन पी का साउंड न्प, डी आर का साउंड ड्र, सी आर का साउंड क्र, सी एल का साउंड क्ल, ऐसे दो लेटर को मिला के कैसे पढ़ते हैं ये आपको जानना है, ओके। स स व स्व, न्प न्प, ड र ड्र, क र क्र, क ल क्ल, ओके। सो कहीं पे भी जब आप रीडिंग करोगे आपको दिक्कत होता है ना, तो ऐसा मिला के पढ़ लेना, ओके। सो ये है टू लेटर ब्लेंड्स। टू लेटर ब्लेंड्स होने के बाद आप लोगों को लॉन्ग ए, अब जो हम ए का साउंड पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं ए का साउंड,
मतलब ये शॉर्ट ए, शॉर्ट ए है, बट मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ लॉन्ग ए, ए ऐसा करके बोलते हैं ना उसको, हम लॉन्ग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग ए। जब नॉर्मली हम जब ए का साउंड क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो वो शॉर्ट ए है, लेकिन कई कई जगह पे हम लॉन्ग प्रोनाउंस करते है ना, लॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, एप्पल एप्पल ए, लॉन्ग प्रोनाउंस किया है ना। सो लॉन्ग ए साउंड कहाँ कहाँ पे आते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। यस रब्दी बोलो, यस रब्दी अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा, तीन शब्द मतलब तीन अल्फाबेट वाला एक एक लेटर बताओ। बताओ। एस एन ओ स्नो होता है। यस एन ओ डब्ल्यू स्नो, स्नो एस एन एस एन ओ डब्ल्यू हाँ एस एन स्न ओ स्नो U, snow, snow, it is snow. So S-N-O-W, snow, okay? Yes. मेरे टीशर्ट में भी स्नो आ रही है। हाँ बेटा। मेरे टॉप में भी स्नो लिखा है। बराबर है। Okay, very good. Snow, S-N का साउंड है snow, है ना? S-W का साउंड है sw, okay? S-W-I, sw, C-H, ch. Switch, SW, sw, I ka sound hai, E, switch, 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 switch aap dalte ho, fan ka switch, SW, I, SW ka sound hai, sw, E ka sound hai, E, sw, E, switch, switch, aise jod jod ke padhte hai, jod jod ke likhte hai, okay? जोड़ के पढ़ना, जोड़ के लिखना इजी लगता है। चलो मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगी। आई विल शो यू वन वीडियो ऑफ इन द पास्ट लेसन्स। इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू सी द डायग्राफ थ, ग एंड क। द डायग्राफ मेड बाय टी एंड एच कैन बी साउंडेड इन टू डिफरेंट वेज। वन साउंड is th, as in thin, which is called the unvoiced th, and the other sound is the, which is called the voiced th, as in then. So th can be sounded as th, as in thin, and the, as in then. What other words can you think? So, TH का साउंड दो होते हैं, TH था भी बोलते हैं think, thin, और TH दा भी बोलते हैं then, there, the, ऐसे, मतलब CH का साउंड दो टाइप के होते हैं th and the, okay? Think, that's right, and for the sound we have mother. Great job! For the words where the digraph is in the beginning of the word, we will read the pink letters first, which is the digraph, the orange letter next, and the blue letter. Th, a, g, thug. Let's get started. Th, a, g, thug. देखो, th का sound है th, a, g, thug. Thumb, thumb. Th, e, n. Th, th, u. Thumb, u ka sound kya hai? A. Th, a. Mb ka sound hai? Mb. Mb ka sound hai? Mb. Thumb. Yaha pe dekho, thin. Th ka sound hai? Th. I ka sound e. N ka sound n. Th, th, e, n. Thin. Thin. Th, a, d, thud. Th,
a-d, third. Oh, nice. Now let's see some words where the digraph th is at the end of the word. Cloth, cloth. So CL का sound है cl. CL का sound क्या है? Cl. O का sound है o. Cl. TH का sound मैंने पहले बोल दिया th. TH का sound th या d. So cloth. CL का sound है cl. O. Th. Cloth. Math. Math. So M का sound है A. Math. Okay, TH का sound है th. TH का sound क्या है th. So M का sound m, A का sound a, math. TH का sound th. Math. Froth. Froth. FR का sound है fr. FR का sound है fr. O का sound है o. Froth. Froth. North. North. N का साउंड है ना, O का साउंड अ, नो, अर, नॉर्थ, नॉर्थ. Good job, little ones. Let's see the next digraph. Now here we have a digraph made by an N and a G, which sounds something like ng. Ng. Mostly, this digraph will be in the end of the word. Ng. Ng ka sound kya hai? Ng. N ka sound hai n. G ka sound hai g. Ng. Ng. So, ye ng ka sound kab jyada kahan pe aata hai? End of the word. Matlab, ek word mein last mein aati hai. Ng. Bang. Chang. Lang. Aisa. लास्ट में आती है इंग का साउंड. देखेंगे कुछ वर्ड्स जैसे इंग के साथ कैसे होता है. लेट्स सी सम वर्ड्स. र इंग रिंग. देखो आर का साउंड है र, आई का साउंड है ई, र ई री इंग. एन एन जी का साउंड क्या है? इंग रिंग. स्ल इंग स्लिंग. एस एल का साउंड क्या है? स्ल. SL का साउंड क्या है? स्ल. मैंने बताया आपको SL का साउंड स्ल. I का साउंड है ई, स्ली, ng. NG का साउंड क्या है? ng, स्लिंग. Song, song. So S का साउंड है s, O का साउंड a, s, s, o, s, ng. NG का साउंड है ng, song. L ang lung. So L ka sound hai l, U ka sound hai a, l, l, a, l, ng, lung. Awesome. And now let's move on to the last digraph of this lesson, which is made by N and a K. N K का साउंड क्या है? Nk. Nk. N का साउंड है n, K का साउंड है k. Nk. Nk. Something like a nk. Nk. Again, this digraph will also be in the end of the word. ये भी ज्यादा तक वर्ड का लास्ट. Pink. Pink. देखो P का साउंड है p. P I. I का साउंड है e. So p e. P, NK का साउंड nk, pink. NK का साउंड है nk, pink. B, unk, bunk. B का साउंड है b, U का साउंड है a, b, a, nk, bunk. B, ink, blink. So, मैंने बताया BL का साउंड ब्ल, BL का साउंड ब्ल, CL का साउंड क्ल, DL का साउंड ड्ल, ML का साउंड म्ल, ऐसा. So, BL का साउंड ब्ल, BL I, I अगर I का साउंड मिलाने से क्या होता? ब्ली,
ओके ब्ली एनके का साउंड मैंने बताया इंक ब्लिंक ब्लिंक क्या होता है ब्लिंक टैंक टैंक सो टी का साउंड है ठ ए का साउंड है ठ इंक एनके का साउंड इंक टैंक Awesome! So we learned three different digraphs in this lesson. Do practice reading some more words with these digraphs till you are comfortable reading them. So this is how we read the words. अच्छा अच्छा लगा आप लोगों को reading. So आप लोग कहीं पे भी TH का sound टी जी का साउंड या एन के का साउंड एन जी का साउंड बी एल का साउंड सी एल का साउंड ऐसा दो दो मतलब एस डब्ल्यू का साउंड आते तो सी एच का साउंड एस एच का साउंड आते तो आप लोग पहचान पाओगे रीडिंग कर पाओगे आप लोग. चलो आज फिर हम इंग्लिश क्लास में ऐसे फोनेटिक्स के साथ मिलेंगे. ओके लॉग इन टू द मैथमेटिक्स क्लास आफ्टर 5 मिनट्स. ओके Bye, children.